चलिए पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के पिता मोहम्मद अली जिन्ना के वैचारिक पिता के बारे में आज हम आपको बताएंगे, आपकी आंखें खुल जाएंंगी। जिन्ना से भी पहले आइडिया ऑफ पाकिस्तान देने वाले सीनियर जिन्ना का नाम है अल्लामा इकबाल। ये नाम आपने कई बार सुना होगा। दरअसल आज हमें अल्लामा इकबाल के बारे में बात क्यों करनी पड़ रही है, इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश के बरेली में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के बरेली के एक सरकारी स्कूल में इन्हीं अल्लामा इकबाल की लिखी प्रार्थना लब पे आती है दुआ, ये बच्चों से गंवाने की वजह से प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया। अल्लामा इकबाल के बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आप ये जो पूरी खबर हम आपको समझा देते हैं, ये वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। दरअसल हुआ क्या है, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली के इसी सरकारी एक सरकारी स्कूल में लब पे आती है दुआ बनकर तमन्ना तेरी गाते छात्रों का वीडियो वायरल हुआ। अब हिंदू संगठनों को पसंद नहीं आया, इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। छात्र स्कूल के प्रेयर में गाना गा रहे थे जो वीडियो में है, हिंदू संगठन नाराज हुए, जिसके खिलाफ फरीदपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल नाहिद सिद्दीकी और शिक्षा मित्र बदरुद्दीन के खिलाफ FIR दर्ज हुई, दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। स्कूल में प्रार्थना का 16 सेकंड का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अल्लामा इकबाल की नज्म लब पे आती है दुआ बनकर तमन्ना तेरी, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको प्रार्थना गाई। पहले आप भी ये वीडियो देख लीजिए, फिर हम आपको हिंदू संगठनों की आपत्ति क्या है ना वो भी बताएंगे। पहले ये वीडियो दिखा दीजिए एक बार जो वायरल हुआ। अब हिंदू संगठनों का आरोप है कि भाई इनमें हिंदू बच्चों से जबरदस्ती, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, ये सब गवाया जा रहा है जबरदस्ती। इसी वीडियो पर हिंदू संगठनों ने विरोध कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रिंसिपल नायक सिद्दीकी और बजरुद्दीन द्वारा जानबूझकर उनकी भावनाएं ठेस पहुंचाई जा रही है। सुबह सुबह हिंदू बच्चों को मुस्लिम विधि से जबरदस्ती प्रार्थना कराई जा रही है हिंदू बच्चों से। उन्होंने आरोप यह लगा दिया कि बच्चों को यही प्रार्थना करने के लिए धमकाया भी जा रहा है, जबरदस्ती धमकाया जा रहा है, आरोप लगाया उन्होंने। ऐसा छात्र छात्राओं को इस्लाम धर्म की ओर प्रेरित करने के उद्देश्य से कर रहे हैं प्रिंसिपल साहब, और इसी शिकायत के बाद स्कूल के प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया। आप में से कई लोगों को लगेगा भाई ये प्रार्थना तो मतलब इसमें गलत क्या है, हो सकता है कि ये प्रार्थना लब पे आती है बनकर तमन्ना मेरी, आप में से कई लोगों ने अपने स्कूल प्रेयर में, हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने गाया हो। मशहूर देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा भी इन्हीं अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा, तो इसमें गलत क्या है। देखिए अल्लामा इकबाल की लिखी प्रार्थना बच्चों से गंवाना सही है या गलत है, अल्लामा इकबाल की लिखी प्रार्थना बच्चों से गंवाने पर स्कूल प्रिंसिपल को सस्पेंड कर देना सही है गलत है, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन आज कम से कम आपको इन साहब के बारे में जानना चाहिए, सारे जहां से अच्छा लिखने वाले अल्लामा इकबाल के बारे में आज हमको लगा आपको बताना चाहिए। अल्लामा इकबाल की पहली पहचान ये है कि वो पाकिस्तान के राष्ट्र कवि हैं। दूसरी पहचान यह है कि अल्लामा इकबाल जो हैं वो दरअसल इस्लाम मतलब बंटवारे के जो विलन मोहम्मद अली जिन्ना के वैचारिक पिता कहे जाते हैं, सीनियर जिन्ना कह लीजिए आप। तीसरी पहचान यह है कि अल्लामा इकबाल वैश्विक इस्लामिक राष्ट्र के समर्थक थे। चौथी पहचान इनकी यह है कि अल्लामा इकबाल मुस्लिमों को राष्ट्रभक्ति के खिलाफ उम्मा के लिए उकसाते थे। और पांचवीं इन साहब की पहचान यह है कि अल्लामा इकबाल को आप भारत में डर गैंग का पूर्वज भी कह सकते हैं। कैसे मैं आपको बताऊंगा, इनको डर गैंग का पूर्वज भी कह सकते हैं। ऐसे कैसे कह सकते हैं मैं आपको बताता हूं। अल्लामा इकबाल ने 1904 में लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हिंदी है वतन है हिंदोस्तां हमारा, 1904 में ये आपको बताया जाता है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा लिखने वाले अल्लामा इकबाल, बहुत खूबसूरत बहुत अच्छा। भारत में अल्लामा इकबाल का जिक्र अक्सर इसी गीत के लिए किया जाता है, उन्होंने ये गीत भारत के लिए लिखा। आज 118 साल बाद भी देश में अल्लामा इकबाल के इसी गीत की वजह से उन्हें याद किया जाता है। लेकिन 6 साल में इनका डर जाग गया। 6 साल में डर गैंग के पूर्वज में क्यों कह रहा था, क्योंकि आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, ये संभवतः आपको कोई नहीं बताएगा। 1904 में सारे जहां से अच्छा लिखने वाले, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा लिखने वाले अल्लामा इकबाल को 6 साल बाद भारत में डर लगने लगा। 1910 में अल्लामा इकबाल ने तराना मिल्ली लिखा जिसमें मुसलमानों को इस्लामिक राज्य के लिए उकसाया। अल्लामा इकबाल ने तराना मिल्ली में लिखा, मैं पढ़ रहा हूं उसको, चीनो अरब हमारा हिंदोस्तां हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। तराना मिल्ली, चीनो अरब हमारा हिंदोस्तां भी हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा।
अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। अब अलामा इकबाल ने मुस्लिम राष्ट्र वाली सोच को पाकिस्तान बनाने का विचार देकर मजबूत भी किया। बेहद कम लोग जानते हैं कि अलामा इकबाल भारत के बंटवारे और टू नेशन थ्योरी देने वाले दूसरे व्यक्ति थे। नोट कर लीजिए इसको, पहले व्यक्ति थे सर सैयद अहमद खां, जिन्होंने 1876 में कहा था कि मुझे विश्वास है कि हिंदू मुसलमान कभी भी मिलकर एक राष्ट्र नहीं बना सकते। सर सैयद अहमद खान ने कहा था, सबसे पहले व्यक्ति वो थे टू नेशन थ्योरी देने वाले। कोई अगर आपसे कुछ कहता है तो ये जवाब दे दीजिएगा। और दूसरे व्यक्ति थे अलामा इकबाल, जिन्होंने 1930 में सबसे पहले भारत के बंटवारे और पाकिस्तान की स्थापना का विचार सबसे पहले उठाया था। तो भारत के जो टुकड़े हुए 47 में, आप इनको भी श्रेय दे सकते हैं अलामा इकबाल को। अलामा इकबाल ने 29 दिसंबर 1930 में इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में क्या कहा था, मैं वो पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा था कि मैं पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमावर्ती प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को सम्मिलित रूप से एक राज्य के तौर पर देखना चाहूंगा। भारत में कई लोग भले ही अलामा इकबाल को गंगा जमीनी तहजीब का चेहरा मानते हो, लेकिन भारत में ही कई लोग अलामा इकबाल को बेहद कट्टर और सांप्रदायिक मानते हैं। इसमें एक पक्ष ये भी है, इसलिए वो भी बताना जरूरी है। इसके लिए अलामा विरोधी उनके बयान याद दिलाते हैं। अलामा इकबाल कहते थे कि जो मुस्लिम कांग्रेस का साथ दे रहे हैं वो हिंदुओं का साथ दे रहे हैं और इसका नतीजा बेहद जानलेवा होगा। अलामा इकबाल भले ही सारे जहां से अच्छा लिखने के 6 साल बाद ही हिंदू और हिंदुस्तान विरोधी बातें करने लगे थे, लेकिन आप भी ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इनकी इतनी कट्टर सोच, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की तरह अल्लामा इकबाल के पूर्वज भी हिंदू थे। अल्लामा इकबाल को इस बात का गर्व था। अल्लामा इकबाल ने अपनी कविता में कहा था कि मैं उनकी औलाद हूं जो सोमनाथ के पुजारी थे, मैं ब्राह्मण पुत्र हूं। अल्लामा इकबाल के बेटे ने अपनी किताब में लिखा है कि उनके पिता कश्मीरी ब्राह्मणों के एक प्राचीन परिवार से थे जिनका गोत्र सप्रू है। ये तमाम बातें आज आपको बताना है, इसलिए आज ये फैसला आप पर है कि भाई भारत के लोगों पर है कि पाकिस्तान के राष्ट्रकवि, भारत के बंटवारे के सबसे बड़े विलन में से एक, कट्टरता का सबसे बड़ा चेहरा, टू नेशन थ्योरी देने वाले, भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले अलामा इकबाल को भारत में याद किया जाना चाहिए या नहीं याद किया जाना चाहिए, ये आप तय करें। इस बात का फैसला भी आपको करना है कि ऐसे कट्टर कवि की अल्लाह वाली प्रार्थना हिंदू बच्चों से गवाना सही है या नहीं। जो भी हुआ वो अब आप तय करें। इसके अलावा ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से यहां पर प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया।